नमस्कार। आज हम बनाएंगे रसमलाई, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने पतीले में डाला है 1 लीटर दूध और दूध को उबलने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को भी मैंने हाई रखा है, इसलिए दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध अच्छे से उबल गया है, तो यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और अपने पतीले को मैंने किचन काउंटर पर उतार लिया। इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी और विनेगर डाल के इसका मिक्सर तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा सा अपने दूध में डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे हमारा दूध फट गया है, हमारा छेना तैयार है। फिर इसे मैंने एक छलनी में डाल लिया और अच्छे से वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से, ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। और एक कपड़े में डाल के इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। किसी हैवी चीज़ के नीचे इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। फिर यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें भी मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है और इस दूध को भी हम उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर फिर मैंने थोड़े से डाले हैं पिस्ता, इलायची पाउडर डाल देंगे और अपने दूध को लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे हम केसर वाला दूध, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी। चीनी डाल देंगे यहाँ पर, चीनी जो है कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस हम इसे 10 से 12 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा पर हल्दी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। थोड़ा सा इसे हमने रबड़ी से लिक्विड ही रखा है, अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर बिल्कुल रबड़ी बन जाएगी, इसलिए गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा छेना भी बिल्कुल तैयार है। अगर आपका छेना थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है तो हल्का सा इसे पानी स्प्रिंकल कर लें। फिर इसमें अच्छे से मैश कर लेना है। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, फिर से अच्छे से मैश कर लेंगे और एकदम स्मूथ कर लेंगे इसे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, नहीं तो क्या होगा, जब पनीर की बॉल्स बनाएंगे तो उनमें क्रैक आएगा। फिर एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पे हमें चाशनी तैयार करनी है। पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे और इसे भी उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर आप अपने पहले पनीर की बॉल्स बनाएंगे, फिर हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इन्हें देखिए टिक्की भी शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे पनीर की टिक्कियाँ तैयार हैं, बिल्कुल एकदम क्रैक फ्री, इनमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अब हमारी चाशनी जो है वो अच्छे से उबल गई है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और उबलती हुई चाशनी में ही सारी इनको टिक्कियों को डाल देना है। फिर हमें इन्हें ढक के रखना है, पर ढक्कन जो है हल्का सा साइड में रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, चाशनी बाहर निकलेगी। हमारी रबड़ी भी तैयार है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए जो हमारी टिक्कियाँ हैं बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। बस गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। धीरे धीरे हम इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। जब ये लगे आपको कि 10 से 12 मिनट हो गए हैं और जो ये टिकियाँ हैं ये हल्की सी नीचे बैठने लग जाएंगी, इसका मतलब हमारे टिकियाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडी हो गई हैं देखिए, तो इनका सारा रस हम निचोड़ लेंगे और अपनी रबड़ी में डाल देंगे। तो ये हमारी तैयार हो गई रसमलाई। बहुत ही टेस्टी रसमलाई बनती है और बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी। कितना अच्छा कलर आया है, तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सावरा पेज को सब्सक्राइब करें। ये देखें बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रसमलाई तैयार हुई है, तो आप लोग भी एंजॉय करें।